हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर दो, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर टू में टू ए एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, एट्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नाइनवा क्वेश्चन देखेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, किंतु आपको बता दिया है फॉर्मूले जिस भैया बहन को आएंगे वही ये चैप्टर समझ पाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप लोगों ने सूत्र को याद किया है। याद करना है, मैंने डेरिवेशन भी कराए थे प्लस लर्न भी कराया था, ठीक है। तो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन है नौवा क्वेश्चन ये लिख रहे हैं। नौवा में लिखा है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि एन इनवर्स एक्स बराबर 3/4 तो कोस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटी सी बात है, दो लाइन का क्वेश्चन है, 3 इनवर्स x = 3/4 तो कोस इनवर्स एक्स का मान निकालना है। हमने कह दिया है आराम से करना है, टेंशन लेने का नहीं है, केवल धीमे से भागना भी नहीं है, नॉर्मल पेस पे करना है। ये इनवर्स है उधर ले जाएगा तो एक्स बराबर 10 3/4 कोई प्रॉब्लम अरे हुई नहीं होगी। इसका मतलब हुआ ये एक्स का मान आ चुका है। हमें पूछा है कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू है क्या आपके ऊपर, इसे चार तो इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए समीकरण एक से, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 10 3/4। ये छोटी सी बात थी, चार तो ब्रैकेट लगा, ठीक है ना, दिक्कत हुई नहीं होगी। 10 इनवर्स x = 3/4 तो कॉस इनवर्स एक्स का मान पूछा है, x = 10 3/4 माइनस था। अब कॉस एक्स एक्स का मान से निकाल लिया है, ये सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, 2007 में आया है, 2008 में, 2018 में आया है, ठीक है। देखते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड में ही आया है क्वेश्चन नंबर, इसमें डाल दूंगा ठीक, बहुत ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 inverse V/A = cos inverse A - B और A प्लस बी। इसमें ईयर लिखो, 2007 में आया है, 2008 में और 2018 में, ठीक है। तो 2020 में आया होगा, हो सकता है ये पुरानी बुक हो। तो देखिए 21 में आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप 21 में तो एग्जाम देना है, ठीक है, और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा हुआ है। देखिए हम इसे मानते हैं क्या, इतना मान के चलो पूरा लैब गणित में खेल है, पूरा मान रहे हैं, ठीक है ना, अरे सब कुछ मान के ही हो रहा है। टू 10 inverse √V/A ये इनटू में है, उधर जाके बाय टू हो जाएगी, 10 inverse V/A = A/2 इनवर्स को हटाइएगा, 10 A/2 अब इसका स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर जब ही हटता है जब हम किसी का दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यानी रूट लगा हुआ है इसे हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग इट इज का होल स्क्वायर 10 square A/2 इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, V/A = 10 square A/2 हो गया। अब देखते हैं हमारा आंसर कोस इनवर्स में लाना है। आप देखिए कोस ए
वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। क्लियर? अरे यही होता है कॉस टू ए का होता तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉस को उधर पहुंचाओ कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, बड़ी वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ लिख दीजिए समीकरण एक से b अपॉन a या वन प्लस b अपॉन a। a के स्थान पर क्या है ये वाली वैल्यू, इसीलिए टू टेन इनवर्स v अपॉन a बराबर इसका लासा ले लीजिए क्या आएगा cos इनवर्स लासा a a माइनस b भागित a प्लस बी अपॉन ए, क्यों इसके नीचे भी एक मान है बैंड पे ना इससे ये कर लेते हैं, तो इसीलिए आंसर हो गया टू टेन इनवर्स वी अपॉन ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी ए प्लस बी। आ गया होगा आएगा कि नहीं, टू टेन इनवर्स वी अपॉन ए कॉस इनवर्स ये लाना है हमने इधर एल एच एस वाली साइड है उसे एल एच एस लिखा है यानी माना है ये वाली वैल्यू एक ही बराबर, इनटू था y2 लगा दिया इनवर्स था 10 में पहुंच गया, दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ रूट में लगा है, इसको वर्ग करेंगे तो रूट हटा यहाँ हो गया यानी टेन स्क्वायर ए बाई टू कॉमन आ गया। आंसर चाहिए हमें कॉस में तो कॉस ए बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, कुछ नहीं है इस कॉस को उधर ले गए इनवर्स ये बी वाई ए लगा दिया यहाँ बी वाई वन ए सॉल्व कर लिया है ये a माइनस बी ए प्लस बी ऐसे ही कट गया बट्टे में आ गया आंसर दिस सॉल्व आ गया होगा पक्का चैलेंज से। देखते हैं इलेवनवा क्वेश्चन ठीक है ना, अरे आ गया होगा नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए और दिमाग में समझ में आ गया हो तो अपने आप सॉल्व करना ठीक है। मैं मिटाता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन है इलेवनवा क्वेश्चन में दिया है इसने cot इनवर्स चार बटे तीन सही बात है बराबर a है तो sin a फ्रॉम नाइन्थ क्लास का सूत्र बन जाएगा, ये उधर ले जाओ 4 by 3 cot a cot theta वो लाल बटे कक्का वो सही बात है ना आधार बटे लंब ये होता है आधार बटे लंब के टेन होता है लंब बटे आधार तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब ठीक भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई सॉल्व कर दो अरे कर्ण कितना आ जाएगा भाई पाइथागोरस कर्ण बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर चार चार सोलह तीन जना सोलह नौ पच्चीस पच्चीस का पांच सीधा लिख दिया है आप ट्वेल्थ क्लास में आ गए इसीलिए साइन ए एल अपॉन के लंब लंब कितना है तीन बटे पांच आंसर हो गया तीन बटे पांच बताओ कोई कहेगा ट्वेल्थ का क्वेश्चन अरे भाई नाइन्थ का है ठीक ओके आप देखते हैं एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है ट्वेल्थ ट्वेल्थ में कई पार्ट है ये आपको करना है 2012 और 18 वाला क्वेश्चन मैं करा देगा क्वेश्चन नंबर 12 मिटा दूं ठीक क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट 2012 और 2018 में आया भाई बच्चों देखिए आप लोग फॉर्मूला याद कर लो और नहीं हो रहा तो पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करें माइनस है यहाँ टेन इनवर्स ए अपॉन बी टेन इनवर्स और ये भी वही किराए पर उठ जाता हो तो इसे भी उठा दीजिए ऐसे कोरोना के चक्कर में आप इसे उठा सकते हैं किराए पर एल एच एस कोई किराए पर भी नहीं लेगा क्योंकि सब लोग यहाँ सुखावास से भागने वाले हैं तो मैं ये कहूँगा किराए पर नहीं लेगा कोई क्योंकि कोरोना इधर उधर चक्कर लगा रहा ध्यान होगा ठीक है ना तो इसलिए सफाई पर विशेष ध्यान देंगे हम कोरोना हमारे पास भी नहीं आएगा ठीक केवल हम स्टडी करेंगे और घूमेंगे तो कह नहीं सकते टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का सूत्र टेन इनवर्स क्या है एक्स माइनस
यानी एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। देखो भाई यहाँ सूत्र मैंने ये लगाया है, दे रहा हूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई पर माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक, अरे माइनस वाले ऊपर माइनस नीचे प्लस, और प्लस वाले ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेन इनवर्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका एलसीएम कितना आ रहा है, बी ए प्लस बी, नो दिक्कत, इसका इससे गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस अंदर जाएगा तो ए बी और ये प्लस का हो गया बी स्क्वायर। सही बात है, तो सही है, ए स्क्वायर ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका अभिलाषा यही आएगा ए प्लस बी क्रॉस ए बी, ए बी या बी ए प्लस बी स्क्वायर, और इसका ऐसे ए स्क्वायर माइनस ए बी से बी कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया टेन इनवर्स। देखो इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचा है। देखो बच्चों ये कट चुका है, ठीक है ना, ठीक है ये कट गया, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए, फिर आपने ये दिखाई नहीं दे रहा है टेन इनवर्स वन, और टेन में वन वैल्यू किसकी होती है बोलो, किसकी होती है, अरे भाई पाई बाई फोर, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर यानी पैंतालीस होती है ना, अरे होती है नहीं होती है फिर भी मान। हेंस हमारा आंसर यही लाना था, भोंक दिया आपने, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना। अरे भाई समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो वो लाल बटन जरूर दबा देना, यानी सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका इतना तो बनता ही है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपके 12 की सभी करके लाने हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है, हम 13 क्वेश्चन करेंगे, कोई समस्या है तो 12 क्वेश्चन भी करा देंगे का क्वेश्चन। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स।